उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में लॉकडाउन के चलते राजस्थान के मूर्तिकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूर्तियां बेचकर जो पैसे इन कारीगरों द्वारा जमा किए गए थे वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। अब इनके पास जो राशन था वह भी समाप्त हो गया है, जिससे अब ये एक वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। मासूम बच्चों ने परिजनों समेत हाथ जोड़कर मोदी योगी से उन्हें उनके गांव पहुंचने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते मूर्तियां बनाने वाले कारीगर भी परेशानी झेलने को मजबूर हैं। मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में रहने वाले राजस्थान के मूर्तिकार इन दिनों एक वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद इन लोगों के पास काम नहीं रह गया है। वहीं नवरात्रों के लिए तैयारी की गई मूर्तियां भी नहीं बिक पाई। ग्राहकों के इंतजार में पहले से बनाई गई मूर्तियां गर्मी के मौसम में चटकने लगी हैं, जिससे नुकसान हर रोज बढ़ता जा रहा है। सड़क किनारे रहकर मूर्ति बनाने वाले इन कारीगरों के पास पैसों की तंगी है और अब तक इनको सरकारी मदद भी नहीं मिल पाई है। अपने घर वापस जाने का इंतजार कर रहे इन कारीगरों को इंतजार है लॉकडाउन खुलने का, ताकि ये राजस्थान वापस जा सके। मासूमों ने भी परिजनों के साथ हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से उन्हें उनके गांव पहुंचाने की गुहार लगाई है। मझोला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर रोड पर राजस्थान से आए मूर्तिकार लंबे समय से रह रहे हैं। लॉकडाउन से पहले इनके परिवार के कुछ सदस्य पारिवारिक कार्यक्रम के चलते अपने घर राजस्थान लौट गए थे, जबकि 12 से ज्यादा लोग यहीं रुककर मूर्तियां बनाने में जुटे थे। चैत्र नवरात्र के समय मूर्तियों की डिमांड बढ़ने के चलते इनको फायदे की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लॉकडाउन लागू होने के बाद जहां ग्राहक मूर्तियां खरीदने नहीं पहुंच पा रहे थे, वहीं ये मूर्तिकार भी फेरी लगाकर ग्राहकों तक नहीं जा पा रहे थे। इनके द्वारा बनाई गई सैकड़ों मूर्तियां ढेर लगाकर पंडाल में रखी हुई हैं, जो हर रोज गर्मी बढ़ने के साथ साथ चटक रही हैं। मूर्तियां बेचकर जो पैसे इन कारीगरों द्वारा जमा किए गए थे वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं और इनके भोजन की व्यवस्था ज्यादातर खाना बांट रहे लोगों पर निर्भर है। मूर्तिकारों के मुताबिक स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी तक उनको मदद मुहैया नहीं करवाई गई है और जो राशन उनके पास है वह भी समाप्त होने जा रहा है। इनके पंडाल में लाखों रुपए मूल्य की मूर्तियां रखी हुई हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन लंबा खींचता है तो इन्हें नुकसान का डर सता रहा है। यहाँ रह रहे कुछ कारीगर वापस घर लौटना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता। लॉकडाउन का असर आने वाले समय में गणेश चतुर्थी पर पड़ेगा, जब इन मूर्तिकारों के पास सबसे ज्यादा काम होता है। राजस्थान से यहां आकर काम कर रहे कारीगर भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। साथ ही आने वाले समय में रोजगार के अन्य विकल्पों को घर में रहकर आजमाने का दावा कर रहे हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजित अली की रिपोर्ट। विक्की शर्मा जी, विक्की, ये मूर्ति बनाने का काम कब से कर रहे हैं? ये तो हमारा बहुत दिन का काम है सर जी। कहाँ के मूल निवासी हैं आप? हम राजस्थान, उदयपुर। राजस्थान से आके यहाँ पर? हाँ, यहाँ से यही रहते हैं। ये जो इतना माल आपने बनाया है लगभग कितने का होगा? ये माल ऐसे बैठ जाएगा कम से कम 2-3 लाख रुपए का। तो लॉकडाउन हो गया अचानक, तो ऐसे में आपका माल बिक पाया? नहीं बिक पाया, मजदूर का और लेबर भी चल रहा है हम पे। कितने कारीगर हैं आप लोग यहाँ पे? हम 4 जने कारीगर हैं और 2 भैये हैं, 6 जने हैं और 3 लेडीज हैं और 4 बच्चे भी हैं। तो अब कुछ मदद मिली है प्रशासन के द्वारा आप लोगों? नहीं, कुछ भी मदद नहीं मिला अभी ले तो। कितने दिन से आप भूखा प्यासे? 22 तारीख से तो ऐसी चल लिया है सर जी के, चल लिया है, कुछ हो रहा है तो खा रहे हैं, नहीं तो ऐसी पड़े हुए हैं। प्रशासन से कोई मदद मिली? कुछ भी नहीं। अब जो भी आते हैं वो तो पूछ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं आ जाऊँगा, वो दोबारा लौटते भी नहीं है। अब आगे क्या सोचा है? आगे तो यही सोचे कि बस राजस्थान भेज दें, अपने घर को चले जाएं, वहीं अपने खेत लग रहा है ना उसमें गेहूं भी काट लेंगे। आपने किस तरह की तैयारी करी थी आपका सब मूर्ति जी? मूर्ति की क्या तैयारी करी? नौ दुर्गा थे क्या? नौ दुर्गा में शेरों वाली मूर्ति तैयार हुआ था, ऐसी बहुत सारे माल तैयार करा था, मगर वो नौ दुर्गा 22 तारीख है ना, उससे बात था ना, तो पहले ही बंद हो गया तो वो रखा हुआ है मूर्ति, कोई मूर्ति एक भी बिका भी नहीं उसमें, तो नौ दुर्गा का भी। किस हिसाब से आप कितने दिन से आप भूखा प्यासे?
कैसे रोजी बसर कैसे कर रहे हैं वो? ऐसा हम पे भाई पहले का 3-4 हजार रुपए थे वो अब तक को खाए हैं, अब हम पे पैसा है नहीं तो क्या कर सकते हैं, इसी मारे हम सोच रहे हैं गांव जाने के लिए। तो समझ रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, पैसे अभी सुबह बना है तो वो दो दो रोटी भी आफत पड़े हैं। अच्छा, मतलब आपस में लड़ लेते हैं? ना लड़ते बढ़ते मतलब तो नहीं है, मतलब तुम खा लो तुम खा लो ऐसे होता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.